हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सेव टेक स्मार्ट। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने एलजी का 43 इंच का 4K स्मार्ट टीवी का वीडियो बनाया था, जिसका मॉडल 43UP7550 था, जो 2021 का 43 इंच का एक बेसिक मॉडल था। और आज आप लोगों के लिए जो टीवी लेके आए हैं वो एलजी की 43 इंच टीवी सीरीज का सबसे टॉप मॉडल है। तो आज इसी टॉप मॉडल की करेंगे अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी कैसे मिलती है और क्या सच में ये 45,000 की प्राइस सेगमेंट में एक बेस्ट टीवी रहने वाला है। तो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल वीडियो रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बॉक्स को ओपन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी प्रकार टेक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो ये है टीवी का बॉक्स और बॉक्स में जो कुछ हाईलाइट मेंशन किया गया है वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। जो इसका मॉडल है वो है 43UM77 अल्ट्रा ब्राइट पैनल, थिंक AI और 35W के साउंड बार आपको इसमें मिल जाएंगे और मैजिक रिमोट दिया हुआ है और 4K एक्टिव HDR का सपोर्ट इस टीवी में आपको मिल जाएगा। साथ ही इसमें आपको एप्पल होम किट का भी सपोर्ट है। साथ इस टीवी की मैन्युफैक्चर डेट की बात करूँ तो अगस्त 2021 की मैन्युफैक्चर दी हुई है और इस टीवी में जो MRP दी हुई है वो है 65,000। वीडियो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये कितने रुपये का आपको मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी इसी बॉक्स को करते हैं ओपन। टीवी के बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो काफी सारा यूजर मैनुअल दिया हुआ है, तो जब भी आप फ्री हो तो आप इसे रीड कर सकते हो। और साथ ही दिए हुए 2 टेबल टॉप स्टैंड प्लास्टिक के हैं, लेकिन क्वालिटी काफी ऑसम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट दी हुई है पावर कॉर्ड, वो काफी अच्छी क्वालिटी की आती है। साथ ही बॉक्स कंटेंट में अपने को मिल जाता है मैजिक रिमोट और इसकी मदद से आप टीवी को काफी स्मूथली यूज कर पाओगे। साथ ही रिमोट के लिए मिल जाती है AA बैटरीज। साथ ही दी हुई है मैजिक रिमोट के लिए यूजर मैनुअल, वायर स्ट्रिप, साथ ही टेबल टॉप स्टैंड और साउंड रिफ्लेक्टर के लिए अपने को मिल जाते हैं स्क्रू। लास्ट में दिया हुआ है QR कोड जिसे आप स्कैन करके इस टीवी का ट्रबल शूट वीडियो देख सकते हो। और इस टीवी के पोर्ट्स की बात करूं तो स्टार्टिंग में दिया हुआ है ऑप्टिकल डिजिटल ऑडियो आउटपुट, साथ इसमें आपको लैन पोर्ट मिल जाता है। अगर आपके पास एक अच्छा ब्रॉडबैंड है तो आप इसमें टीवी में इंटरनेट काफी अच्छे से एक्सेस कर पाओगे। और इस टीवी में मेरे को सबसे अच्छी बात लगी, इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट दिए हुए हैं, 2 USB पोर्ट्स आपको इसमें मिल जाते हैं और साथ इसमें आपको मिल जाएगा AV-IN का पोर्ट और वही लास्ट में दिया हुआ है एंटीना पोर्ट। और इस टीवी के बैक पैनल में आपको सेंटर में 15W का सबवूफर दिया हुआ है, बॉटम में आपको 20W के स्पीकर मिलेंगे, तो टोटल आउटपुट आपको 35W का मिलने वाला है। तो जब मैं टीवी का सेटअप कर लूंगा तो मैं आपको ऑडियो की क्वालिटी भी टेस्ट कराऊंगा। और यहाँ दिया हुआ है पावर पोर्ट, तो बिना टाइम वेस्ट किए टीवी का जल्दी से मैं सेटअप कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इस टीवी का बेसिक सेटअप कर लिया है और यहाँ सबसे पहले मिलता है होम डैशबोर्ड, जिसमें आप मोबाइल कनेक्शन गाइड, ब्लूटूथ ऑडियो प्लेबैक, एप्पल एयर प्ले एक्सेस कर सकते हैं और इसी के साथ यहाँ से आप चूज कर पाओगे इनपुट सोर्स और ऑडियो आउटपुट। और लास्ट में आपको होम IoT डिवाइस मिलता है, जिसमें आप सारी स्मार्ट डिवाइस जैसे AC, रेफ्रिजरेटर, LED TV और एयर प्यूरीफायर कनेक्ट कर सकते हो। इस टीवी के यूजर इंटरफेस की बात करें तो इसमें आपको LG का थिंक AI मिलता है, जो WebOS 5 पे बेस्ड है। और मैं आपको बता दूं, ये एक एंड्रॉयड टीवी नहीं है, तो इसमें आपको प्ले स्टोर नहीं मिलेगा। इसमें आपको LG कंटेंट स्टोर मिलता है, जिसमें आपको सारी मेजर ऐप्स मिल जाएंगी और कुछ ऐप्स जैसे नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, G5, अमेजॉन प्राइम वीडियो, एप्पल TV प्री इंस्टॉल आपको इसमें मिल जाती हैं। एक टीवी में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्ले होती है और इस टीवी में मिलती है 43 इंच की 4K IPS ब्राइट व्यू डिस्प्ले, जो आती है 4K एक्टिव HDR, HDR 10 प्रो, HLG, एक्टिव नॉइस रिडक्शन, ट्रू कलर एक्यूरेसी, 4K अपस्केलर और 60Hz की रिफ्रेश रेट के साथ वीडियो क्वालिटी आपके सामने आ रही है। और इस टीवी के व्यूइंग एंगल भी काफी अच्छे हैं, तो आप रूम के किसी भी कॉर्नर में बैठकर आराम से टीवी देख सकते हो बिना कलर वॉश आउट हुए। और इस टीवी में 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल दिया हुआ है, तो आप रूम के किसी भी कॉर्नर से बैठ के आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो, आपको सभी डायरेक्शन से सेम क्वालिटी देखने को मिलेगी। इस टीवी के ऑडियो की बात करें तो इसमें आपको टोटल 35W का ऑडियो आउटपुट मिलता है, जिसमें 20W के फ्रंट फायरिंग स्टीरियो स्पीकर और 15W का सबवूफर मिलता है। और बाकी ऑडियो फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 2-way ब्लूटूथ प्लेबैक सपोर्ट मिलता है, जिससे मोबाइल से टीवी में ऑडियो आउटपुट ले सकते हो और टीवी से स्पीकर में आप आउटपुट ले पाओगे। तो ऑडियो की क्वालिटी में मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ। तो
फ्रेंड्स मैंने आपको डिफरेंट वॉल्यूम पे ऑडियो टेस्ट करवाया और ऑडियो की क्वालिटी और काफ़ी मेरे को ऑसम देखने को मिल रही है। और अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लेना चाहते हो और अगर आप ये टीवी बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो। इसके साथ आपको साउंड बार लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये टीवी काफ़ी ऑडियो अच्छा प्रोवाइड करवा रहा है। और मैंने इस टीवी से कीबोर्ड को कनेक्ट कर दिया है, देखते हैं वर्क करता है या नहीं। और काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है कीबोर्ड। और इस टीवी के साथ मैजिक रिमोट तो आता ही है, आप चाहो तो आप इसमें माउस भी कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि इस टीवी के अंदर आपको 2 USB पोर्ट्स दिए हुए हैं और साथ ही इसमें लेटेस्ट 4K स्मार्ट टीवी है तो ये वीडियो और ऑडियो के सारे ही फॉर्मेट सपोर्ट करता है। और इस टीवी के 2-way ब्लूटूथ को भी टेस्ट कर लिया जाए। होम डैशबोर्ड पर आपको आना है और वहाँ क्लिक करना है ब्लूटूथ ऑडियो प्लेबैक पे और टीवी का नाम आ ही रहा है। मोबाइल में आपको ब्लूटूथ ऑन करना है और जैसे आप देख पा रहे हो मोबाइल में टीवी का नेम आ गया है UM7790PTA, तो आपको यहाँ क्लिक करके इसे कनेक्ट करना है। तो मैं टीवी में आपको ऑडियो प्ले करके सुनाता हूँ। और आप इस टीवी में ब्लूटूथ से ऑडियो प्लेबैक करोगे तो आप इसकी स्क्रीन को ऑफ भी कर सकते हो। और इस टीवी के अंदर स्क्रीन मिररिंग भी करके देख लेते हैं। एंड्रॉयड और iOS को दोनों को सपोर्ट करता है। तो मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है और स्मार्ट व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ और टीवी का नेम आ जाएगा। अपना मोबाइल एक्सेस हो गया है और काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। वीडियो क्वालिटी में आपको टेस्ट कराता हूँ कैसी क्वालिटी मिलती है। तो मैं मोबाइल से स्क्रीन मिररिंग कर रहा हूँ और वीडियो क्वालिटी आपके सामने आ रही है, काफ़ी ऑसम क्वालिटी देखने को मिल रही है। और इस टीवी में लेटेंसी काफ़ी कम देखने को मिल रही है और कहीं भी टीवी लैग नहीं कर रहा है। और इस टीवी के अंदर iOS को भी स्क्रीन मिररिंग करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको होम डैशबोर्ड पे जाना रहेगा, एप्पल एयरप्ले पे क्लिक करना है और कनेक्ट करता हूँ मैं। टीवी का नेम आ गया है। और कहीं भी मेरे को टीवी में लैग देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल स्मूथ ही टीवी वर्क कर रहा है। तो आप इस टीवी के अंदर एंड्रॉयड और iOS को दोनों को कनेक्ट कर सकते हो। तो चलते हैं LG के मैजिक रिमोट की तरफ। तो ये ब्लूटूथ बेस्ड मोशन रिमोट है जिससे आप रूम के किसी भी कोनर से ऑपरेट कर सकते हो और आपको टीवी या सेट टॉप बॉक्स के सामने रहने की ज़रूरत नहीं है। ये एक यूनिवर्सल रिमोट है और आप इसको सिंगल क्लिक एक्सेस कर पाओगे। यहाँ सेंटर में आपको क्लिक पॉइंट स्क्रॉल दिया हुआ है और इसकी कुछ हॉट कीज दी हुई है, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो। प्राइम वीडियो के बटन को कुछ टाइम प्रेस करके आप एलेक्सा को भी यूज कर पाओगे। और इसके साथ इसकी वॉइस सर्चिंग को भी टेस्ट करते हैं। वॉइस सर्च के बटन में आप गूगल असिस्टेंट को यूज कर पाओगे, टेक्निकल गुरुजी। तो मैंने गूगल असिस्टेंट को कम से कम 10 बार कमांड दिए, उसमें 9 बार मेरे को सही रिजल्ट मिला है। और फ्रेंड्स इस मैजिक रिमोट की एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, जहाँ कहीं भी कॉर्नर में ये मैजिक रिमोट रहेगा वहीं टीवी ऑडियो ज़्यादा डिलीवर करवाता है। तो फ्रेंड्स ये था LG का टीवी जिसकी मैंने आपको ऑडियो और वीडियो क्वालिटी अभी आपको टेस्ट कराई। वीडियो क्वालिटी काफ़ी ऑसम देखने को मिली है और ऑडियो की क्वालिटी इसी वजह से ज़्यादा आपको मिल रही थी क्योंकि इसमें आपको 15W का सबवूफर दिया हुआ है। और अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो अभी ये ऑनलाइन पे 48,000 के आसपास लिस्टेड है और आपको तो पता ही है कि अभी दिवाली की सेल चल रही है, उसमें अगर आप इसे परचेज करोगे तो 44,000 या 45,000 के आसपास ये टीवी आपको मिल जाएगा। और अगर इस टीवी की वारंटी की बात करूं तो दिवाली सेल में आपको 2 ईयर की वारंटी दी हुई है तो आप इस चीज का भी फायदा उठा सकते हो। और अब वीडियो के लास्ट में मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन अगर आप लेना चाहते हो तो ये टीवी अगर आपको 45,000 में मिलता है तो आप इस टीवी के लिए जा सकते हो। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इस टीवी के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।